राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा जोर शोर से उठाने के लिए मशहूर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष 13 दिन की पदयात्रा निकाल रही हैं। ये पदयात्रा 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली के राजीव चौक पर पहुंचकर खत्म होगी। इस पदयात्रा के जरिए स्वाति मालीवाल महिलाओं से मुलाकात कर रही हैं और फिर उनसे जुड़े सवालों का एक मैनिफेस्टो बनाकर लोकसभा चुनाव के पहले सभी सियासी पार्टियों को भेजेंगी। मुझे लगता है कि इस देश के लिए बहुत शर्म की बात है कि अभी तक निर्भया के कातिल जिंदा हैं। 7 साल होने को आ रहे हैं लेकिन उनका वो अभी भी जेल में बैठे हैं और अभी तक उनको कोई सज़ा नहीं हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि तुरंत इनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए क्योंकि पूरी देश की निर्भया इस वक्त इंतज़ार कर रही है। सिर्फ निर्भया अपने जस्टिस की इंतज़ार नहीं कर रही, सारी ही इंतज़ार कर रही हैं। इसीलिए मैंने प्रेसिडेंट जी को पत्र भी लिखा है क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि वो एक सिस्टम बनाएं कि जो ये क्यूरेटिव पिटिशंस होती हैं या ये मर्सी पिटिशंस होती हैं इनके पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। आज की दिन तो यह है कि अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी दोबारा रिव्यू पिटिशन में भी कह दिया कि फांसी दो, लेकिन अभी तो इन लोगों के पास इतना समय है, ये तो जब ये चाहेंगे क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करेंगे, जब ये चाहेंगे क्लेमेंसी फाइल करेंगे, तो कम से कम इसको टाइम बाउंड तो करना चाहिए। तो मैंने उनसे अपील करी है प्रेसिडेंट से कि इसको 6 महीने में करिए जिससे कि 3 महीने में ट्रायल्स खत्म करिए और उसके बाद जितनी अपील होनी है और जो भी होना है वो 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मुझे लगता है कि लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर न्याय when justice is delayed, I think justice is denied। जी ये तो मैं क्या कह रही हूँ, पूरा देश कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है कि निर्भया के नाम पे एक फंड बनाया गया और आज तक उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। कितनी शर्म की बात है। मैं प्रधानमंत्री जी को 10 बार पत्र लिख चुकी हूँ, मैं उन्हें बता चुकी हूँ कि अरे फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज बना दीजिए, पूरे देश भर के जितने CCTV पुलिस स्टेशन हैं उनमें CCTV कैमराज लगवा दीजिए, आप जो निर्भयाएँ हैं देश की उनका पुनर्वास कर दीजिए इस फंड से, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहते। पता नहीं किस आइडिया की वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो उसके ऊपर बैठे हुए हैं उस फंड को और इस्तेमाल करने की ना तो वो मंशा रखते हैं और ना ही वो स्टेट्स में डिवाइड कर रहे हैं जिससे कि कम से कम राज्य तो उस पैसे का इस्तेमाल कर लें। मुझे लगता है पूरे देश की निर्भयाओं के मुँह पर चांटा है जो कि केंद्र सरकार मार रही है।